नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा। खबर पर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात। क्या हाल है यूपी? शुरू हो चुका है। अब सौरभ द्विवेदी आपको हमारे नए चैनल ललन टॉप यूपी पर भी दिखाई देंगे, जहां पर आपको चुनावी कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में देखने सुनने को मिलेंगे ब्लॉग, बदकुचन, लाइव ज्ञान और बहुत कुछ नया। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल। चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब खबर पर आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट नहीं खेला, लेकिन उस मैच से पहले वाली रात टीम के अंदर क्या हो रहा था, इस पर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंग्लैंड में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पांचवा और आखिरी टेस्ट खेलने को लेकर अनिच्छुक थे। दिनेश कार्तिक ने स्काई स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, मैंने कुछ भारतीय खिलाड़ियों से बात की है, लगभग सभी मैच हो गए हैं और वो काफी थके हुए थे। उनके पास इस वक्त सिर्फ एक फिजियो है। उनके पास दो फिजियो थे, लेकिन एक फिजियो कोच के साथ पहले ही टीम से अलग है, जिसके बाद उनके पास एक ही फिजियो बचे जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत काम किया, लेकिन अब वो भी पॉजिटिव हो गए और यही समस्या रही। जो दूसरे फिजियो हाल में पॉजिटिव हुए हैं, उनका नाम योगेश परमार है और वो भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट फिजियो हैं, जो कि मैनचेस्टर टेस्ट से ठीक पहले पॉजिटिव आए थे। अब जबकि टीम के कई खिलाड़ी उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये सभी के लिए डर की स्थिति पैदा करने वाला था। हालांकि बाद में गुरुवार को सभी खिलाड़ी आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आए। दिनेश कार्तिक ने बताया, अगर फिजियो की जगह कोई और होता, जैसे लॉजिस्टिक में मदद करने वाला या कोई और, तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन जब पता चला कि टीम का फिजियो ही पॉजिटिव है, ऐसे में चिंता बढ़ गई। दिनेश कार्तिक ने बताया कि आखिरी टेस्ट में पहली वाली रात के 3 बजे तक टीम के ना जाने कितने ही खिलाड़ी नहीं सो सके। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी के लिए मैच में जाना बिल्कुल असंभव स्थिति है। उन्होंने बताया, 10 सितंबर का ही उदाहरण ले लीजिए, टीम के बहुत से लड़के रात के 2:30-3 बजे तक नहीं सो सके, क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता था कि अगले दिन के मुकाबले के लिए तैयार होना है या नहीं, क्योंकि भारत में वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें ये चीज साफ नहीं थी कि वो ईसीबी से इस तरह की चीजों पर बात कर सकते हैं या नहीं। कार्तिक ने ये भी आशंका जताई है कि अच्छा है टेस्ट टल गया, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी 3 दिन बाद होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता और वो प्लेइंग 11 में होता, तो फिर क्या होता। दिनेश कार्तिक ने आगे आईपीएल को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा, आपको ये भी समझना होगा, इस सीरीज के खत्म होते ही आईपीएल शुरू होना है, उसके ठीक बाद विश्व कप है और उसके पीछे पीछे न्यूजीलैंड सीरीज, लेकिन हम लोग सिर्फ इस एक हफ्ते के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक ने बायो बबल को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी बात की। उन्होंने कहा, वो कितने समय तक बबल में रह सकते थे? जब 16 मई को वो भारत छोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तब से अब तक 4 महीने हो चुके हैं, ये पहले ही बहुत अधिक समय है। भारतीय क्रिकेट टीम मई के महीने से इंग्लैंड में मौजूद है। उन्होंने पहले न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला और फिर इंग्लैंड के साथ एक लंबी टेस्ट सीरीज। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।